उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजनांदगांव में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न भागों से 10 टीमों ने लिया हिस्सा। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक स्थित वॉलीबॉल मैदान में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय में अध्ययनरत पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न संभागों से 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान प्रतियोगिता को लेकर भिलाई से पहुंचे कोच विनोद नायक ने कहा कि 10 टीमों में 2 पोल बनाकर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं वॉलीबॉल खिलाड़ी अमित कुमार सिन्हा ने यहां के मैदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजनांदगांव में बेहतर आयोजन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप यहाँ राजनांदगांव के इस ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टोटल यहाँ पे 10 टीमें आई हुई हैं और 10 टीमों को 2 पुलों में बांट करके टूर्नामेंट का संचालन किया जाएगा। नॉकआउट कम सेमीफाइनल तथा फाइनल मैच किया जाएगा। सर, मैं इंटरनेशनल रेफरी हूँ। छत्तीसगढ़ का पहला वीर हनुमान सिंह अवार्ड से मुझे अवार्ड मिला है। आजकल के खिलाड़ियों और पुराने खिलाड़ियों को अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। आजकल के खिलाड़ियों में वो भावना नहीं है जो खिलाड़ी में होनी चाहिए, जो लगन, जो मेहनत करने की इच्छा। अब टीवी, मोबाइल और एक गाड़ियों का ऐसा एक शौक आया हुआ है बच्चों के बीच में, जो आजकल वॉलीबॉल के लिए हो चाहे किसी भी गेम के लिए हो, बच्चे समय नहीं निकालते। ग्राउंड तो बहुत अच्छा है और स्ट्रेटजी तो भाई, ये तो आउटडोर गेम नहीं है एक्चुअल में वॉलीबॉल, मगर हमारे यहाँ ऐसा साधन नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के हो चाहे इंडिया में हो, वॉलीबॉल अभी भी आउटडोर में ही खेला जाता है। धूप ऐसी है कि वैसे धूप में खेलना भी थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, मगर इस टूर्नामेंट को 2 दिन के अंदर में समाप्त भी करना है तो यह ग्राउंड बाकी सब जगह से देखा जाए तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। ग्राउंड आके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ ग्राउंड का मेंटेनेंस बहुत अच्छा किया गया है। यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं खेलने के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के, पूरे स्टेट का मैच हो रहा है। यहाँ इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है, यहाँ से हम लोग यूनिवर्सिटी खेलने जाएंगे जो कि उड़ीसा में होने वाला है। और अभी यहाँ मैचेस चालू होने वाले हैं, थोड़ी देर मतलब स्टार्ट हो गया। अभी रायपुर और बिलासपुर का मैच चल रहा है फर्स्ट कोर्ट में, और इधर सरगुजा और जांजगीर का मैच चल रहा है। हमारा मैच बिलासपुर का है, सेकंड मैच है। यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ बहुत सारे टूर्नामेंट भी हो चुके हैं। यहाँ स्टेट चैंपियनशिप हुआ था 2018 में, उसके बाद अभी ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ जनवरी में ही हुआ था रिसेंट में, उसमें भी हम लोग आए थे। हाँ, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्राउंड है। राजनांदगांव के वॉलीबॉल ग्राउंड में खेली जा रही है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।